बीदर शहर से सटे सुल्तानपुर ग्राम में जहां शहर का कचरा नगरसभा द्वारा डंप किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, इसके लिए बजट जारी किया गया है और ग्राम में सड़क और ड्रेन कार्य भी किए गए हैं। ग्राम में किए गए सभी काम अधूरे हैं। आज एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने ग्राम का दौरा कर सभी कार्यों का निरीक्षण किया। अरली ने कार्यों का निरीक्षण करने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी बजट का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है, सभी काम अधूरे और ठीक से नहीं किए गए हैं या उचित नहीं है। इस मौके पर नगरसभा आयुक्त शिवराज राठौर सहित अन्य अधिकारी व इंजीनियर आदि उपस्थित रहे। इसी बीच एमएलसी अरली ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। आज हम इधर के सुल्तानपुर जिले के पास जो डंपिंग यार्ड है वो यार्ड के देखने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे ऑफिस में आके 3-4 लोग मेरे को एक कंप्लेंट किए थे जो डंपिंग यार्ड है वो यार्ड में रोड और सोलर सिस्टम ये सभी जो काम हो रहे हैं काम बहुत गलत तरीक़े से कर रहे हैं और काम खराब काम हो रहा है बोल के मुझे कंप्लेंट किए। उस वजह से मैं आज म्यूनसिपल्टी के कमिश्नर शिवराज राठौर कमिश्नर उनको और डीडीसी के शरणप्पा जो एजुकेटिव इंजीनियर है और हमारे इन्वायरमेंट का इंजीनियर रवि है और EAW है ये सभी को बुला लेके आज मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे देखने के बाद मुझे भी वो लगा कि यहाँ पे जो काम करना था वो उस ढंग से काम नहीं हुआ। वो काम आने वाले दिनों में मतलब 31 जनवरी तक रिपेयरिंग कर लो सुधार लो बोल के मैं टाइम दिया हूँ उसको। अगर वो लोग ये सुधारने के काम नहीं किया तो मैं फरवरी महीने के अंदर एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने के लिए सरकार पे दबाव डालूँगा ये बोल के मैं अफसर लोगों को बोला। लेकिन अफसर से मुझे एक बात यह है कि हम आने वाले दिनों में ऐसे भी सही तरह से कर लेते बोल के बोले वो कर ले तो अच्छा है। मतलब मैं हम बोलने क्या है पब्लिक का टैक्स का पैसा है उस पैसे से जो काम होता है वो सही तरह से होना बोल के हमारा इंटेंशन है। हम किसी को भी नुकसान पहुंचाना है हमारा काम नहीं है हमारा इरादा भी नहीं है। हमको एक ही इरादा है कि पब्लिक का पैसा सही यूटिलाइज हो जाए और सही कामकारी हो जाए बल्कि यह हमारा एक सोच है उसके वजह से हम आए हैं आज। अगर वो लोग अगर साथ नहीं देंगे अगर गुत्तेदार के साथ तो वो लोग अधिकारी लोग साथ देंगे तो हम चुप बैठने वाले में नहीं है। अगर वो पब्लिक के साथ है पब्लिक साथ रहेंगे बल्कि हम मैं सोचता हूँ समझता हूँ अगर पब्लिक का ये जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं हुआ जैसा ये सब रिपेयरिंग कर लेना। क्योंकि अभी सोलर का सिस्टम भी यहाँ पे डाला है गया है वो सोलर सिस्टम भी सिर्फ प्लेट डाला गया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये जनरेटर जो कुछ भी नहीं डाला वो भी आधा अधूरे काम हुआ। लेकिन पैसा 90% अमाउंट जो पेमेंट करा सुल्तानपुर साइड में टोटल 6.5 करोड़ का SW1 में काम था उसमें से 9.4 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो रोड रोड है ड्रेन है बिल्डिंग ब्लॉक है और प्रोसेसिंग शेड है पूरे मिला के 4 करोड़ का काम हुआ है। एमएलसी जी साहब विजिट किए हैं तो ये रोडों की भी 1-1.5 साल का हो गया एक जगह पे माइनर रिपेयर है तो एमएलसी साहब बोल रहे हैं हम उनको कॉन्ट्रैक्टर को उनको बोल के वो रिपेयर करा दें।